सो बेसिकली इट्स 20th ऑफ फेब और 2023 और ग्रैंड GDR लखनऊ. मेरा 8:30 बजे वाली शिफ्ट में इंटरव्यू था एंड आई वॉज द थर्ड गाई पर सेकेंड पैनल जिसका इंटरव्यू हुआ. आई थिंक मेरे हिसाब से इंटरव्यू बहुत ही सही था. मतलब इसके पहले जो बंदा था उसका उतना इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ समहाउ, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइक आई डिड गुड. और प्रोसेस बहुत सिंपल सा था डूड, जाना है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, उसके बाद में फिर वो बिठा देंगे, फिर ऊपर फाइल जाएगी और फिर नंबर वाइज बुलाते रहेंगे और इंटरव्यू देना है बारी बारी से. 4 मेल मेंबर्स थे, 1 फीमेल थी. फीमेल वो सब पेपर पर लिख रही थी, उन्होंने कोई सवाल नहीं पूछा. बाकी जो सर लोग थे उन्होंने ही लगातार सवाल पूछे. सो काफ़ी अच्छा था. आई थिंक इट वॉज़ गुड, नॉट बैड, डेफिनेटली नॉट बैड, इट वॉज़ गुड. कुछ क्वेश्चंस थे, जैसे मैं गया, मैंने दरवाज़ा खोला, फिर मैंने बोला मैं कम इन प्लीज, तो फिर उन्होंने बोले आइए आइए. तो मैंने सबको गुड मॉर्निंग विश किया, फिर मैं सीट के पास गया, फिर मैं खड़ा हो गया तो बोले बैठो, बैठिए बैठिए. तो फिर मैं बैठा, फिर मैंने थैंक यू सर बोला और उसके बाद फिर उनका इंट्रोड्यूस वगैरह कुछ उन्होंने नहीं बोला. उन्होंने बोला कि जैसे कि मैं आपकी देख सकता हूँ फाइल, आपने ग्रेजुएशन किया है स्टैटिस्टिक्स में, तो कहाँ से किया है, कैसे किया है, आप वो बताइए. तो फिर मैंने बेसिकली बताया कि कहाँ से मैं ग्रेजुएट हूँ और किस ईयर में हुआ है मेरा और ये सारी चीज़ें. फिर उन्होंने मुझसे स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड 2 सवाल पूछे. एक पूछा स्टोकास्टिक क्या है और उसके बाद उन्होंने पूछा कि उस पर था क्वेश्चन, मुझे नहीं पता था आंसर तो मैंने सॉरी सर बोला. और उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि बट आपके स्कोर बहुत अच्छे हैं तो आपने पढ़ाई नहीं की क्या. उसके बाद मैंने बोला सर पढ़ा है बट तभी स्कोर अच्छे है बट मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट. उसके बाद फिर क्वेश्चन शिफ्ट हो गया. फिर उसके बाद फिर क्वेश्चन दूसरे साइड टेक ओवर कर लिया. फिर उन्होंने बोलना शुरू किया कि अच्छा ठीक है बताइए, जब से आपने ग्रेजुएट किया है, ग्रेजुएशन किया उसके बाद से आप क्या क्या कर रहे हैं. तो फिर मैंने उनको बताया कि सर जब से ग्रेजुएशन हुआ मेरा, उसके बाद फिर ग्रेजुएशन के बाद मैं एज अ प्रोफेशनल फोटोग्राफर काम किया है मैंने एंड आई वॉज मेकिंग मनी. फिर उसी ड्यूरेशन में मैं एक सीनियर से मिला और आई टोल्ड हिम, तो मैंने बताया कि एक भैया है उन्होंने मुझे इन्फ्लुएंस किया और मेरी पहली प्रेफरेंस थी बैंक ऑफ बड़ौदा. तो उन्होंने पूछा कि तो मतलब मैंने बताया कि उन्होंने ही मुझे इन्फ्लुएंस किया बैंकिंग में लेने, बैंकिंग एज अ प्रोफेशनल लेने को, और मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा ही फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखा है. उन्होंने पूछा ऐसी क्या क्वालिटीज थी कि आप इम्प्रेस हो गए कि आपको बैंकिंग ही करना है. तो फिर मैंने वो सारा टिपिकल बैंकिंग वाला आंसर मैंने उनको बताया. फिर उन्होंने पुश करते गए, फिर मैंने उस बीच में बोल दिया था कि इट इज़ वन ऑफ द ऑनेस्ट प्रोफेशंस जो हम कर सकते हैं क्योंकि लाखों करोड़ों लोग हमारे ऊपर पैसा हमारे भरोसे छोड़ के जाते हैं. सो आई थिंक बहुत ऑनेस्टी है, इंटीग्रिटी इस जॉब में, तभी कर सकते हैं. तो बोलते हैं रेलवे में नहीं है क्या. तो आई डोंट नो मैंने सही बोला गलत बोला, बट मैंने बोला कि सर लॉट ऑफ टाइम हम ऐसा सुनते रहते हैं कि ब्राइबरी और ऑफिसर्स ने ऐसा फ्रॉड किया वैसा किया, बट बैंक में ऐसा बेयरली कभी सुनने मिला है. तो सर आई थिंक डाटा स्पीक्स इटसेल्फ. अब मुझे नहीं पता ये आंसर सही है कि गलत है, बट मैंने ऐसा बोला. उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि हम आपको क्यों सेलेक्ट करें. तो फिर मैंने बताया कि सर ऐसे 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 ऐसे. फिर उन्होंने बोला कि आपने बताया जैसे कि आपका हॉबी था फोटोग्राफी और आप उसे एज अ प्रोफेशनल परस्यू भी कर रहे थे, पैसे भी कमा रहे थे. मैंने बोला हाँ सर. बोले कि आपके लिए स्विच करना मुश्किल नहीं था. फिर मैंने उनको समझाया कि सर फोटोग्राफी मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं है कि उसके लिए मुझे अलग से एफर्ट मारना पड़ता है, समथिंग जो बहुत इंस्टिंक्ट में है मेरे, मैं कुछ भी अच्छा देखता हूँ एंड आई थिंक आई जस्ट क्लिक इट. और फिर मैंने एज अ फोटोग्राफी को बेस बना के उनको समझाया कि कैसे प्लानिंग करनी पड़ती है, कैसे क्रिएटिविटी अप्रोच है और वो सारे फैक्टर्स इंक्लूड किए मैंने उसमें कि कैसे वो हेल्प कर सकता है बैंकिंग जॉब. फिर उन्होंने इधर उधर 2-4 सवाल पूछे. फिर उन्होंने बोला कि अगर हम आपको बैंक में PO बना ही देते हैं तो फिर आप कैसे कस्टमर अट्रैक्ट करोगे. तो फिर मैंने उसका आंसर दिया. फिर उन्होंने बोला कि अगर मान लीजिए आपके बैंक में कस्टमर आते ही नहीं है तो फिर आप क्या करोगे. तो फिर मैंने अपना अप्रोच बताया. फिर बोले कि आप डायरेक्ट जाओगे या फिर आप बैंकिंग करस्पॉन्डेंस उनका यूज़ करोगे. मैंने बोला नहीं सर, क्योंकि जैसे आपने कहा कि मैं वहाँ पे एज अ PO हूँ और वो ब्रांच मेरे अंडर में है, तो इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं उसकी परफॉर्मेंस को बेटर करूँ. तो सर मैं खुद जाऊँगा, मैं बैंकिंग करस्पॉन्डेंस की मदद नहीं लूँगा. इट विल बी माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बोला, मैंने बोला इट विल बी माई मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी और वही मेरा काम है सर, तो मैं खुद ही करूँगा. और फिर उसके बाद उन्होंने बोले कि अच्छा ठीक है, आप किस तरह के लोगों को लोन देना प्रेफर करेंगे. मैंने बताया कि रूट लेवल पे देना प्रेफर करूँगा. फिर बोले अगर उसमें NPS बहुत आने लगे तो. मैंने बोला सर मैं तब भी प्रेफर करूँगा. और फिर उन्होंने बोले कि अगर मान लीजिए NPS 75% है तब. तो मैंने बोला कि मैं तब भी अगर 75-70% है मैं तब भी
प्रेफर करूँगा कि मैं दे ही दूँ। फिर उन्होंने बोला अगर सर लोग थे, फिर उन्होंने बोला कि अगर अगर एनपी 100% हो गया तो फिर मैंने बोला कि तब वहाँ पे कंसिडर किया जा सकता है। फिर वो कंफर्म नहीं है, वहाँ पे कंसिडर किया जा सकता है। उसके बाद फिर उन्होंने बहुत सारे सर्कमस्टांसेस बेस्ड क्वेश्चन पूछे मुझसे और फिर उन्होंने मुझसे बोला कि आप कोई ऐसी 2-3 स्कीम्स बताइए जो आपके हिसाब से गवर्नमेंट की बेस्ट स्कीम्स हैं। तो मैंने बताया कि प्रधानमंत्री जनधन योजना और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। उसके बाद फिर उन्होंने मुझसे उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा, तो उन्होंने मुझसे बोला कि आप 2-3 ऐसे टॉपिक बताइए जिसमें आपको लगता है कि आप कुछ भी जवाब दे सकते हो। तो मैंने बताया कि सर आरबीआई से रिलेटेड, मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड। तो उन्होंने सीधे मुझसे वर्ल्ड बैंक के बारे में पूछना शुरू कर दिया। तो कुछ देर बाद मैंने एक दो जवाब मुझे नहीं आया, तो फिर उन्होंने बोला कि आपका इकोनॉमिक्स का ग्रेजुएशन में मेलबर्न नहीं है। फिर उसके बाद फिर उन्होंने बोला, आपने बोला कि आपको इंस्टीट्यूशन के बारे में सब पता। मैंने बोला सर आप इंडियन इंस्टीट्यूशन के बारे में पूछ सकते हैं। तो फिर उन्होंने NHB के बारे में पूछा, फिर काफ़ी देर तक की उसके बारे में बात हुई। फिर एक दो चीज़ें, एक एक टेक्निकल टर्म पूछने की कोशिश कर रहे थे बट मुझे नहीं आ रहा था, तो मैंने सॉरी सर भी बोल दिया। और उसके बाद फिर एक दो कुछ और सवाल भी थे, मुझे याद नहीं वो सवाल क्या थे। और फिर उन्होंने बोला ठीक है आप जा सकते हैं। तो फिर मैं उठा, मैंने सबको थैंक यू सर बोला, थैंक यू मैम बोला और फिर मैं आराम से चला गया बाहर, दरवाज़ा लॉक किया एंड ऑल। अंदर फाइल वाइल कुछ भी लेके नहीं जानी थी, नॉर्मल जाना था। कॉन्फिडेंस वॉज द की, आई थिंक कॉन्फिडेंस वॉज द की, दैट वॉज द मेजर थिंग दैट वॉज रिक्वायर्ड देयर। आई वॉज काम, आई वॉज कम्पोज, आई वॉज लाइक कॉन्फिडेंट। मेरे चेहरे पर स्माइल भी थी और वो लोग भी काफ़ी हम्बल थे, पोलाइट थे, उनके चेहरे पर भी स्माइल थी। इट वॉज गुड, लाइक ऑल इन ऑल आई थिंक माई एक्सपीरियंस वॉज गुड। खराब तो मैं नहीं बोलूँगा, इट वॉज लाइक बेसिकली गुड। और बाकी बात करते बाद में। ओके सो अभी ऐसा है कि प्रॉपर रेस्ट लेने के बाद, लाइक प्रॉपर रेस्ट क्या ही है, दोपहर में अभी सो के उठा हूँ मैं। कल मेरा इंटरव्यू था, 21st है, रात में 1:30 बजे सोया हूँ मैं, फिर 5 बजे उठ गया हूँ मैं एंड फिर दोपहर में थोड़ा सा यू नो लाइक आफ्टर वॉशिंग ऑल माई ट्रेन के कपड़े सारी चीज़ें, लाइक आई टुक अ ब्रेक। और अभी थोड़ा सा चीज़ें सैचुरेट हो चुकी है, इंटरव्यू हुए, टाइम हो चुका है। सो अभी मेरे पास कुछ ऐसी ऑब्जर्वेशंस हैं लाइक जो मैं लाइक लिटरली आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। आई थिंक दैट इज इम्पॉर्टेंट। अगर मैं कुछ रिपीट करूँ तो आप उसको स्किप कर लेना, लाइक बिकॉज लाइक आई डोंट रिमेम्बर कि मैंने कल क्या क्या बताया था। सो थिंग इज दैट कल सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने ऑब्जर्व की कि लाइक 4 मेल टीचर्स थे, सर थे और एक फीमेल मैम थी, तो वो तो अपना वो कुछ कर ही रही थी, बट जो चेयर मैम थे ही वॉज लाइक मेरे केस में ही वॉज गुड एंड ही वॉज लाइक प्लेइंग द रोल ऑफ ए गुड कॉप। और उनके ठीक लाइक लेफ्ट साइड में एक सर थे एंड ही वॉज प्लेइंग द रोल ऑफ बैड कॉप। लाइक वो हमेशा ना एकदम रूट क्वेश्चन कर रहे थे, लाइक हमेशा रूट क्वेश्चन थे। जैसे मैंने बोल दिया कि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ऑनेस्ट प्रोफेशंस, तो बोलते हैं तो बाकी प्रोफेशंस फिर मतलब वो बेईमानी करते हैं आपके हिसाब से, रेलवे चोर है आपके हिसाब से। सो लाइक ही वॉज लाइक ट्रिगरिंग मी एंड ही वॉज लाइक यू नो लाइक एक्टिंग रूड, बट मी बीइंग मी लाइक आई वॉज लाइक ओके जी सर आई डिडंट मीन दैट, बट जब भी आप है ना देश के 150 करोड़ लोग, सबके पास अकाउंट नहीं है बट देश की जब इतनी बड़ी पॉपुलेशन आपके ऊपर पैसे को लेके भरोसा करती है, तो सर दैट्स अ डिफरेंट लेवल ऑफ ट्रस्ट एंड वो सिर्फ ऑनेस्टी से आ सकती है, क्योंकि लोग अपना पैसा लगा रहे, सरकार पैसा नहीं लगा रही आपके ऊपर। सो दैट्स अ डिफरेंट लेवल ऑफ ट्रस्ट एंड नो, तो वो सिर्फ ऑनेस्टी से आ सकती है, पूरे इंस्टीट्यूशन की ऑनेस्टी, पूरे सेक्टर की ऑनेस्टी से आ सकती है। तो आई वॉज लाइक बींग काम, आई वॉज लाइक विद जेंटल स्माइल, पोलाइट स्माइल, जैसे अभी कर रहा हूँ मैं ऐसे ही, लाइक आई वॉज लाइक दैट। और सो बेसिकली ही वॉज प्लेइंग द रोल ऑफ बैड कॉप। जो चेयरमैन थे, जो मेन थे लाइक उधर के उस इंटरव्यू पैनल के, तो ही वॉज लाइक प्लेइंग द गुड कॉप। उनके ठीक राइट साइड में जो सर बैठे हुए थे, लाइक 1-2 चेयरमैन, बैड कॉप, मैम लिख रही थी, बैड कॉप, चेयरमैन, जो इनके बगल में बैठे हुए थे, ही वॉज लाइक कीनली ऑब्जर्विंग मी। वो ना जब ही मैं आया तो ही लाइक ऐसा हेड टू टो ऐसा एनालिसिस करना, लाइक ही वॉज लाइक बहुत ही एकदम वो ऐसे बैठे हुए थे और छोटी छोटी स्माइल कर रहे थे कि अच्छा 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 ऐसा ऐसा, लाइक ही वॉज लाइक दैट, वैसे थोड़ा लीन होके बैठे हुए थे एंड ही वॉज लाइक कीनली ऑब्जर्विंग मी। और जैसे कि जब मैं कोई आंसर कर रहा था तो हाथ मेरे ऐसा बहुत, मैं हैंड जेस्चर्स करता हूँ, तो अंदर वहाँ पे आपको फाइल वाइल लेके जाना अलाउ नहीं है,
कुछ भी यू नो लाइक लेके नहीं जा सकते, आप सीधे जाके बैठोगे खुद से ही। तो हैंड जेस्टर्स में कर रहा था, बट लाइक आई वॉज लाइक वेरी कंट्रोल्ड वे। तो वो ना मेरे पैर देख रहे थे कि मैं ऐसे ऐसे कहीं टैप तो नहीं कर रहा हूँ मैं, लाइक किस तरीके से मेरी बॉडी लैंग्वेज है। लाइक ही वॉज कीनली ऑब्जर्विंग मी, समटाइम्स वो मुझे अनकंफर्टेबल भी कर दे रहे थे, करने की कोशिश कर रहे थे, कर नहीं रहे थे। और वो एक और काम कर रहे थे कि लाइक जब भी ये लोग कुछ अच्छे, लाइक यू नो लाइक एक एक सीमलेस फ्लो में जब भी बातें हो रही थी कि लाइक ऐसा फिर तो ऐसा फिर क्यों, ऐसा फिर क्यों, ऐसा फिर क्यों, अचानक से पूछते अच्छा महात्मा बुद्ध की डेथ कहाँ हुई थी, आपको पता है क्या? सो लाइक ही वॉज लाइक ऐसा ट्रिक कर रहे थे कि एकदम ही अचानक से हाथ उठा के हाँ रखती है, एंड लाइक ही वॉज चेकिंग प्रेजेंस ऑफ माइंड। सो आई वॉज लाइक मैं श्योर नहीं था कि मुझे पता है ये प्रतापगढ़ के आसपास ही एक जगह है, मुझे अभी वापस से याद नहीं आ रहा है, बट यूपी में ही है बट मुझे याद नहीं आया। तो मैंने बोला सॉरी सर बट मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। तो फिर उन्होंने बोले कि अच्छा आपको पता है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला सर्मन कहाँ दिया था? तुमने बताया कि सर इट वॉज इन 5th सेंचुरी और BC, और उन्होंने यहाँ पे सारनाथ में ही अपना सर्मन दिया है। ऐसे ऐसे नहीं बोला, लेकिन अभी यहाँ से सारनाथ इधर है। उसके बाद लाइक ओके गुड गुड, फिर लाइक ऐसे चलने लगा, एंड फिर सडनली लाइक ऐसा चीजें चल रही है चल रही है चल रही है, सडनली इज लाइक, तो लाइक क्योंकि मेरे ऐसा हॉबी मैंने फोटोग्राफी डाल के रखी हुई थी, तो क्वेश्चन चल रहा चल रहा सडनली। तो आयुष आपको ऐसा नहीं लगता कि आपकी हॉबी आपके प्रोफेशन को इंटरप्ट करेगी, या फिर आप हॉबी को कैसे मैनेज करोगे अपने प्रोफेशन के साथ, क्योंकि आप काफी डेडिकेटेड लगते हो? सो लाइक ही वॉज लाइक ही वॉज ट्राइंग टू ऑफ बोर्ड मी अभी, क्योंकि कल मैं ये चीजें नहीं समझ सकता था, बस तुरंत तुरंत दिया था, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था तो इतना नहीं समझता है ना। बट अभी लाइक जब ये आई एम लाइक वेल सैचुरेटेड, अभी दिमाग में उन चीज़ों को इन्फॉर्मेशंस को बिट बाई बिट पीसेस बाई पीसेस ऑब्जर्व कर रहा है और प्रोसेस कर रहा है, देन आई कैन टेल द डिफरेंस कि लाइक एक्चुअली व्हाट वाज गोइंग ऑन। सो ही वाज लाइक ट्राइंग टू यू नो लाइक कॉट मी ऑफ ऑफ गार्ड, या फिर वो मुझे मेरा प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करने की कोशिश कर रहे थे कि हाउ फास्ट आई कैन स्विच। सो ही वॉज लाइक दैट, और उन्होंने एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जो बैंकिंग से रिलेटेड हो। ही लाइक ही डिड और भी एक दो क्वेश्चन थे मुझे अभी याद नहीं आ रहे। सो जैसे अभी एक साइड ने पूछा मुझसे, चेयरमैन ने पूछा कि आप बताओ आपने कौन कौन से एग्जाम्स क्लियर किए, सो आई वॉज टेलिंग, तो फिर बोलते लाइक ऐसे चलते, तो फिर आपने RRB क्यों नहीं दिया, या फिर आपका निकला ही नहीं? तो मैंने बोला तुमने बताया कि सर लाइक मेरी स्पीड इतनी नहीं थी कि मैं RRB के एग्जाम्स निकाल पाता, बट मैंने दिया था निकला नहीं था। तो बोलते ठीक है ठीक है ठीक है। और जो लास्ट में सर बैठे हुए थे वो मेरे सब्जेक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहे थे, और वो मेरे लाइक बेसिकली वो मेरे बायोडाटा से क्वेश्चन पूछ रहे थे मेनली, लाइक यू नो लाइक वो जैसे एक होता है ना कि ऐसा वैसा, तो सो इट वॉज लाइक दैट। और ऐसा था, एंड मुझे लाइक ओवरऑल ऐसा लगा कि क्योंकि इंटरव्यू टू इसमें कुछ सही या गलत जवाब नहीं है, इट्स ऑल व्हाट यू थिंक, एंड क्योंकि बातें चल रही हैं वहाँ पे, वो कुछ भी करने की कोशिश करेंगे, यू हैव टू बी कूल काम कंपोज्ड कॉन्फिडेंट, है ना, ऐसा 3C का क्यूब जो भी मैंने बोला, कूल काम कॉन्फिडेंट कंपोज्ड C के पावर 4, ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, आपको नहीं इफेक्ट होना उनसे, बिकॉज यू हैव टू ट्रीट इट लाइक कि जस्ट अ नॉर्मल इंटरेक्शन जहाँ पे आपको खुद को एक यू नो लाइक यू हैव टू सेल योर सेल्फ, ऐसा ऐसा कि लाइक आप एक अच्छे बैंकर हो, एक नॉलेज होना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका शार्प होना चाहिए, बट आप भी शार्प होने चाहिए, यू शुड नॉट लुक लाइक दिस जैसे मैं अभी देख रहा हूँ, यू शुड नॉट, अभी इसके पहले वाला जो वीडियो देखा जो इंटरव्यू के बाद मैंने बनाया था, आई वॉज लुकिंग शार्प लाइक यू नो लाइक दैट वॉज लाइक ऐसा दैट वॉज शार्प, बट यू डोंट नीड टू लुक लाइक दिस, लाइक क्योंकि अभी मैं सो के उठा, वो मेरी आवाज़ में वो फ्रेशनेस नहीं है, और यू नो लाइक डोंट मेक दैट मिस्टेक, लाइक यू नो लाइक यू हैव टू बी शार्प, यू हैव टू बी शार्प, ऐसा बिल्कुल भी नहीं साउंड करना है ना ऐसा दिखना है, यू हैव टू लुक शार्प, एज होना चाहिए आपके लुक में, है ना, लाइक अजाइल दिखने चाहिए आपके, लाइक ऐसा वाला। एंड अगर मुझे बाकी कुछ भी याद आएगा सो आई विल कीप एडिंग इन, यू नो लाइक उसमें मैं कर दूंगा। इसके अलावा क्योंकि ये पूरा वीडियो मैंने ना बहुत लंबा हो जाएगा, तो इस वीडियो में मैंने आपको पूरा लाइक इंटरव्यू में क्या हुआ मेरे साथ, लाइक यू नो लाइक व्हाट वर द क्वेश्चंस और क्या आंसर्स थे, पैनल मेंबर्स कैसे थे क्या थे, सो वो मैंने बता दिया है। एक दूसरा वीडियो मैं बनाता हूँ अभी इसके बाद और अपलोड करता हूँ चैनल पे, देखना उसको, प्लेलिस्ट बना दूंगा मैं इंटरव्यू से रिलेटेड कि लाइक इंटायर प्रोसेस क्या था, कि लाइक सेंटर पे पहुँचने से लेके सेंटर से निकलने तक का, वो मैं बना दूंगा, बहुत हेल्पफुल होएगा, लाइक क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था प्रॉब्लम हो रही थी बहुत, यू नो लाइक कन्फ्यूजन्स थी दिमाग में, सो मोस्ट प्रोबली इट विल हेल्प यू। और
फिर लाइक एट द एंड लाइक मैंने बताया ही था कि लाइक उन्होंने थैंक यू, उन्होंने बोला कि ठीक है भाभी आप जा सकते हैं। फिर मैंने उनको थैंक यू बोला, डोर क्लोज किया, फिर मैं चला गया। इट वॉज लाइक दैट। एंड वीडियो अगर हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ लाइक से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, कॉमेंट करो जो भी, लाइक ऑल दोज थिंग्स। एंड अगर कोई क्वेरी होगी तो कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, चाहे तो टेलीग्राम पे ऐसा पूछ लेना, लाइक आई डोंट माइंड। अगर मुझसे हेल्प हो पाएगी तो आई विल डेफिनेटली डू इट। एंड आई जेन्युइनली विश के फ्यूचर में यू नो वी गेट टू बी बैंकर्स एंड फेलो बैंकर्स। सो ऑन दैट नोट गो, आई होप योर टाइम वॉज बेस्ट यूटिलाइज्ड एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।